वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJDEG सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। आज हम फिज़िक्स से कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? विच गिव अ नॉलेज अबाउट नेचर, जो हमें प्राकृतिक के बारे में जानकारी दे, प्राकृतिक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। या फिजिक्स क्या होती है? इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि 12 सेंटीमीटर, ये भी हमारी एक क्वांटिटी है। बेशक से ये भी हमारी क्वांटिटी कैसे हुई, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना उसका अमाउंट है, और यूनिट मतलब यूनिट हमें रिप्रेजेंट करती है कि वह कौन सी क्वांटिटी है। ऐसे ही जैसे हम लेते हैं 12 kg, जो 12 है वो एक अमाउंट है, केजी मतलब किलो में, ये यूनिट है। यूनिट रिप्रेजेंट करती है कि वह कौन सी क्वांटिटी है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वह बताता है कि कितना अमाउंट हमारे पास है। तो ऐसे ही हमें कुछ जो हमारी यूनिट होती है, जिनसे मिलके हमारी क्वांटिटियाँ बनती है या उससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ऐसी यूनिट होती है जिसको हम हिंदी में मात्रक भी बोलते हैं। आइए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यह हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है, जैसे कि फंडामेंटल, डेराइव एंड सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हमारी? 3, जो स्वतंत्र होती है और दूसरों पर निर्भर नहीं करती, मतलब जो इंडिपेंडेंट होती है। दूसरों पर निर्भर कैसे नहीं करती? जैसे कि हम स्पीड देखते हैं, स्पीड भी एक हमारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो यह है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर है, तो ये हमारी एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, या फंडामेंटल क्वांटिटी हम इसको नहीं बोल सकते। ऐसे ही हमारी एक और क्वांटिटी मान लो, हम मान लेते हैं जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ये भी हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि ये देखो मास और वॉल्यूम पर निर्भर कर रही है डेंसिटी, मतलब जो दूसरों पर निर्भर करती है। जैसे अब लेंथ है, मास है, टाइम है, अगर हम पर्टिकुलर लेंथ की बात करते हैं तो वह भी किसी पर निर्भर नहीं है, मास की बात करते हैं तो वह भी किसी पर नहीं, और टाइम है और वह भी किसी पर निर्भर नहीं करता। मतलब ऐसी जितनी भी यूनिट है हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती, वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट जो भी हम बोल सकते हैं वो फंडामेंटल होती है। अब फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए हमारे डिफरेंट तरह के मेज़रमेंट स्टैंडर्ड हैं, मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम आया था वो था CGS सिस्टम। मतलब कि क्या था कि जो हमारी लेंथ होती थी हम उसको सेंटीमीटर में, जो हमारा मास होता था उसको हम ग्राम में, और जो टाइम होता था हमारा उसको सेकंड में हम लोग मेज़र करते थे। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था। अभी अगर हमें ज़्यादा, मतलब कि अगर हमारी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में है, जैसे कि हमें 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, थाउजेंड्स किलोमीटर अगर हम मेज़र करना हो, तो ये जो हमारा सिस्टम है वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। तो फिर एक नया सिस्टम हमारे पास आया, उसका नाम था FPS सिस्टम। उसमें क्या था कि जो हमारी लेंथ होती थी उसको हम फुट में, और जो हमारा मास होता था उसको पाउंड में, और जो हमारा टाइम होता था उसको हम सेकेंड में मेज़र करते थे। ये जो सिस्टम है वो ब्रिटिश के द्वारा मतलब बनाया गया था, और ये भी जो सिस्टम है वो भी इतना यूज़फुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी हम जो लार्ज अमाउंट है हमारा वो मेज़र हम लोग ईज़िली नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा सिस्टम आया वो था MKS सिस्टम, मतलब जो लेंथ है उसको मीटर में, जो मास है उसको किलोग्राम में, जो टाइम है उसको सेकेंड में हम लोग मेज़र करेंगे। ये जो सिस्टम आया ये थोड़ा यूज़फुल था। अब फर्दर उसके बाद अभी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली, मतलब वर्ल्ड वाइड जिसका यूज़ होता था और जो होता है मतलब वर्ल्ड वाइड उसका। तो उसमें क्या हुआ कि इन सभी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक नया सिस्टम बनाया गया, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हमें MKS सिस्टम
जो एमकेएस सिस्टम है उसका यूज़ करके ही हमारा जो एसआई सिस्टम है वो बनाया गया था। उसमें क्या था, हमारी जो सेवन जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है वो और सप्लीमेंट्री जो यूनिट है हमारी दो, उनके मात्रक तय किए गए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी सिस्टम को, मतलब कि कोई एसआई सिस्टम है कि हम उसको एमकेएस में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते या सीजीएस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका क्या यूज़ है। पहले हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि 2 kg, 2 g, तो एक हमारा क्या एसआई या बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम है, तो दूसरा हमारा सीजीएस सिस्टम है। अब क्या है कि मैं इस 2 से इस 2 को कभी भी नहीं काट सकता या डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे पहले सिस्टम को इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तब ही हमें इसे प्रॉपर डिवाइड कर सकें। अब जो हमारी सेवन फंडामेंटल यूनिट थी उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली थी लेंथ। लेंथ का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, और जो सेकंड है वो हमारा मास है उसको किलोग्राम, टाइम को सेकंड में, और करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, लुमिनियस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मोल में हम लोग मेज़र करते हैं। उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी थी या यूनिट थी वो सप्लीमेंट्री यूनिट थी हमारे पास। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या होता है, जैसे कि देखो अभी आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट वो भी इंडिपेंडेंट, जो दूसरों पर इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अभी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो हमारी एंगल के लिए बेसिकली यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंगल, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/θ। 1, 2, 3। इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है। जैसे कि हमारे पास दो रेडियस हैं, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अभी इनके द्वारा एक आर्क बनाई गई है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये जो आर्क के द्वारा बनाया गया डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल होंगे। तो इसके द्वारा ये जो एंगल बनेगा इस आर्क के द्वारा इन दो रेडियस के बीच में, ये हमारा जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा। उसके बाद एक सॉलिड एंगल होता है, उसमें क्या होता है कि एक हमारी जो दो रेडियस होती हैं, इक्वल रेडियस होती हैं, उनका जो टोटल डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये और ये, मतलब 1 और 1, 2 मीटर, ऐसी जो आर्क का डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू इन दोनों के सम के होता है, जैसे कि 1 + 1, 2 मीटर का ये होता है। तो अब जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये सॉलिड एंगल होगा। इसमें क्या होता है कि आपका ये और ये 1 मीटर, 1 मीटर, तो आर्क का डिस्टेंस भी 1 मीटर था। अब इसमें चेंज क्या है कि ये भी 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, तो टोटल 2, और इस आर्क का डिस्टेंस भी 2 ही होता है। मतलब रेडियस का जो डिस्टेंस होता है दोनों रेडियस का वो इक्वल टू आर्क के होता है, दोनों रेडियस का डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है आर्क के डिस्टेंस के। इसको मेज़र करने के लिए हमारी जो एसआई यूनिट होती है स्टेडियन होती है। आज हमने जो चर्चा किया है वो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट के बारे में की है। तो जो हमारी मैक्सिमम फिजिक्स है जो डेराइव यूनिट पर निर्भर करती है, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो सभी डेराइव यूनिट पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कम्प्लीटली डेराइव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट फॉर्मूला और उनके डेरिवेशन जो भी हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।